तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, अभी एक बज रहा है और अब हम पहले हरिद्वार जा रहे हैं। इतनी लंबी लाइन टोल पर, भैया पहली बार ही देखी है। ये कोहरा नहीं है, ये जो पटाखे छूटे हैं ये उसकी वजह से है, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। तो अभी हम रास्ते में एक जगह रुक गए हैं, ये है बीकानेरी वाला, ये पड़ रहा है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। 2 रोटी सब्जी, अभी हमने अपना लंच कर लिया है। रजत जैन, आपका क्या नाम है? तो दोस्तों हम आ गए हैं हरिद्वार, टाइम हो गया रात के 8:30 और अभी हम हर की पौड़ी घूमने के लिए जाएंगे। तो ये है हरिद्वार का खड़खड़ी इलाका और यहाँ पर हमने राधा स्वामी होटल में कमरा ले लिया है। हर की पौड़ी से लगभग 1 किलोमीटर है, बाकी यहाँ मार्केट एरिया है, खाना वाना मिल ही रहा है यहाँ आसपास। होटल का किराया लगभग 800-900 रुपए के आसपास। तो हम यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर आके खड़े हो गए हैं, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। अभी हम खाना खा के निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए। खड़खड़ी इलाका है हरिद्वार का, जहाँ पर आपको 700-800 रुपये में कमरा मिल जाता है और गाड़ी पार्क करने के लिए सड़क पर जगह भी होती है। होटल राधा स्वामी है और भी 2-3 होटल्स हैं आसपास, काफ़ी सारे आश्रम भी हैं यहाँ पर, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये हर की पौड़ी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एरिया को हर की पौड़ी कहते हैं। यहाँ पर हम नदी के किनारे चल रहे हैं और यहाँ रात का समय है, सब चीज़ें बंद हो रखी हैं अभी। तो दोस्तों हम आ गए हैं हरिद्वार और ये है मेरे पीछे गंगा नदी। तो ये था हर की पौड़ी के पीछे जोधपुर वाष्णे भोजनालय। इसी के साथ हमने हर की पौड़ी अभी रात में देख लिया है और हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं।